करनी शुरू। हाँ ठीक है, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया है कि हम आपके साथ एक अपनी जो है सक्सेस स्टोरी शेयर करें कि रजौरी में, क्योंकि 1 जनवरी को जो एक हादसा पेश आया, बहुत ही दिल दहलाने वाला हादसा था, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन और जो फॉलोअप था वो हम लोग शुरू कर रहे थे। लेकिन उस फॉलोअप के दौरान ही हमारे पास 8 तारीख को एक आईडी लगाई गई पुलिस स्टेशन बुद्दल की जुरिस्डिक्शन में, दंडोत इलाके में, और फिर 18 तारीख को दूसरी आईडी लगाई गई यहाँ खेवरा रजौरी के एक बिजी इलाके पे। तो ये एक मेजर चैलेंज हो गया कि इसका मतलब है कि जो भी दहशतगर्द हैं वो किसी और मेजर वारदात की ताक में हैं, और इस वारदात में वो आम लोगों का जो है उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने की ताक में है। तो इसके चलते जब ये आईडी 18 तारीख को यहाँ खेवरा जो आपका जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नज़दीक एक चौक है, वहाँ पे पाई गई थी, तो इस आईडी के बाद हम लोगों ने अपनी हर तरह की जो इंटेलिजेंस ग्रिड है उसको एक्टिवेट किया, और जो भी हमारे पब्लिक कॉन्टेक्ट्स थे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, हमने कोशिश की कि हम पता कर पाएं कि ये कौन सा मॉड्यूल है जो आईडी का काम कर रहा है और आईडी लगा के यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहा है। इसके चलते सबसे पहले मैं यहाँ के पब्लिक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये पूरा ऑपरेशन पब्लिक की एक पॉजिटिव सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन हो पाया, तो जिससे एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज सामने आ रहा है कि लोग दहशतगर्दी का साथ अब नहीं देंगे, इसीलिए खुल के वो सामने आके इस पर्टिकुलर वारदात की निस्बत हमारे तक उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, जिसके बाद रजौरी पुलिस जो है पूरी तरह से मुतहरिक हो गई और हम लोगों ने यके बाद दीगर लोग जो है वो अरेस्ट किए। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आईडी का स्पॉट जो है आप लोगों की, उसके लिए हमने रखा था कि जहां पे एक रास्ता है, एक लिंक रोड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने के लिए, जहां से लोग अक्सर शॉर्टकट लेके मेडिकल कॉलेज जाते हैं, और वहां पे काफी सारी फार्मेसी की भी शॉप्स हैं जहां पे डिफरेंट दवाइयों का भी वो खरीदो फरोख्त करते हैं। तो इस लोकेशन पे ये आईडी रखी गई थी, और बिल्कुल जहां से लोग क्रॉस कर रहे थे एग्जैक्टली उस लोकेशन पे ये आईडी थी। ये दूसरी डायरेक्शन से हम आपको बताना चाहेंगे, ये बेसिक आईडी जो थी वो ये थी जो एक लिफाफे में थी, और ये पहली बार था कि ये आईडी दो मैकेनिज्म से चलती थी। इसमें प्रेशर मैकेनिज्म भी था और टाइम्ड डिवाइस भी लगा हुआ था, ताकि टाइम डिवाइस के थ्रू भी ये आईडी चल सकती है। अगर इसी किसी का पैर इसके ऊपर आया या कोई वजन इस पे रखा गया, तब भी ये आईडी जो है एक्सप्लोड कर जाती और नुकसान कर जाती, और अगर अपने टाइम तक रह पाती वहां पे तो तब भी ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकती थी। तो बर वक्त कार्रवाई जो हुई, इसको डिटेक्ट किया गया, इसको नाकारा बनाया गया, और फिर मजीद इन्वेस्टिगेशन में जो चीज सामने हमें आई है उसकी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करेंगे कि ये आईडीज पूरा फैब्रिकेट होके हमारे अक्रॉस से आ रही हैं, ताकि यहाँ पे जो है पब्लिक प्लेसेस और बाकी वल्नरेबल प्लेसेस पे लगा के आम लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए और गवर्नमेंट के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज क्रिएट किए जाए। ये इस आईडी की तस्वीर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इनके सर्किट्स काफी सोफिस्टिकेटेड टाइप से बनाए गए हैं, और ताकि ये ज्यादा से ज्यादा, इसमें काफी सारे बॉल बियरिंग्स डाली गई हैं, मुझे लगता है 1000 के करीब बॉल बियरिंग्स थी इसमें जो इतना सारा बड़ा नुकसान कर सकते थे। ये एक टिफिन आईडी का नाम हम इनको देते हैं, ये एक देखिए आपके स्कूली बच्चों का जैसे टिफिन होता है उसी तरह की ये आईडी थी, और अंदर से इतना सोफेस्टिकेटेड मैकेनिज्म इसमें था। इसके इंसिडेंट जब ये वाकया पेश आया तो एफआईआर नंबर 32 जो है साल 2023 का पुलिस स्टेशन रजौरी में जो है वो इमिडिएटली रजिस्टर किया गया, और इसकी तफ्तीश जो है डीएसपी हेडक्वार्टर जो हमारे चंचल सिंह हैं उनके हवाले की गई, और इसमें जो हमारे पास क्लूज आए तो सबसे पहला इसमें बंदा जो हमारे हाथ में आया वो यहीं पे लोकल आपकी खेवरा के ही हैं, माजिद डार। तो जिनसे मजीद पूछताछ अमल में लाई गई, और फिर उनके दूसरे एक साथी जुहेब खान जो बाला मंजा कोट के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया, और फाइनली जो इनका हेड था मोहम्मद जब्बार जो दराती बालाकोट का रहने वाला है
उसको गिरफ्तार किया गया। इन लोगों की पूछताछ और जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर्स की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये अभी तक सामने आया है कि जो मोहम्मद जब्बार है, जो बालाकोट का रहने वाला है, उसका एक भाई ऑलरेडी टेरर रिलेटेड केस में पिछले साल से बंद है। मोहम्मद इब्रार उसका नाम है, जो कि मेंढर के एक पुलिस स्टेशन एफआईआर में बंद है। टेरर रिलेटेड इंसिडेंट था ये भी, और ये फैसिलिटेशन ऑफ टेररिज्म था इन बॉर्डर एरियाज। ये बताना जरूरी समझूंगा कि ये मोहम्मद जब्बार जो है ये फेंस से आगे रहता है, और बालाकोट पुलिस स्टेशन, बालाकोट चौकी और पुलिस स्टेशन मेंढर की जुरिस्डिक्शन में रहता है, और कोई ऐसा काम नहीं करता है क्योंकि थोड़े एक हाथ से माजूर भी है। तो इसका लिंक अक्रॉस में है, और जहां से इसके हैंडलर्स जो हैं वो इसको ये सारी गाइडेंस और डायरेक्शंस देते हैं, इनकी डायरेक्शन पे ही इन्होंने ये कंसाइनमेंट आपके शहर के आउटस्कर्ट में दस्सेल एक इलाका है, दस्सेल इलाके से ये आईडी ली थी और ये आईडी इन्होंने यहाँ प्लेस की थी। और उसके बाद भी आपको पता होगा कि दस्सेल से ही कुछ और आईडीज भी हमने बरामद की हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि जो हैंडलर्स इनके अक्रॉस हैं वो किसी तरह का कोई मौका जो है वो नहीं गंवाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, वो यहाँ आम जो है दहशतगर्दी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मॉड्यूल हम लोगों ने पकड़ा, इससे काफ़ी और जो आईडीज और भी बरामद हुई हैं, तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हम लोग प्रिवेंट कर पाए हैं और काफ़ी सारी जो कीमती जाने हैं वो बचा पाए हैं। और इसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इनका रिमांड लिया गया है, अभी 10 तारीख तक ये हमारे पास पुलिस रिमांड में है, और हमें उम्मीद है कि इनके मजीद और भी जो साथी हैं उनको हम गिरफ्त में ले सकते हैं, और भी इनके तार जहां जहां तक जुड़े हुए हैं उन सबको हम लोग जो है क्लोज करेंगे, ताकि इस तरह की दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई आगे ना हो। थैंक यू सर। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल के सामने आया कि किस तरह की जगहें इनके टारगेट पे हो सकती थी या थी जहां ये इस तरह के आईडी एक्सप्लोजन करवा सकते थे? जनरली तो जो अभी तक आया है वो नंबर वन तो सिक्योरिटी फोर्सेस की लोकेशंस और कैंप्स हैं, और दूसरा है क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस पे भी जहां से इनको बड़ी सी बड़ी खबर बन जाए। सर ये लोग कब से इन्वॉल्व थे, एक जो माजीदार और ज़ुहेब खान, ये कब से इनके साथ इन्वॉल्व थे, कितने सालों से काम कर रहे हैं? हाँ नहीं, अभी वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नहीं, अभी जो जो जब्बार है वो तो एलईटी के ही मॉड्यूल से कनेक्टेड है अक्रॉस, जो हम अक्रॉस की इनकी कम्युनिकेशन या बाकी डिटेल्स देख रहे हैं उससे तो उसमें कोई शक नहीं है कि इनका जो टेरर आउटफिट्स अक्रॉस हैं उनके साथ बिल्कुल राबता है, उन्हीं की डायरेक्शंस पे ये सारा काम कर रहे हैं। चलो तो ये मान सकते हैं कि इससे पहले भी ये लोग इस तरह की आइडियाज जो है इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे भी अब आईडी का ऐसा वाकया पेश आया है हम उन एजेंसीज के साथ, उन पुलिस स्टेशन के साथ भी रबते में हैं, ताकि वो अपने लेवल से भी जो खबर है और पूछताछ अगर करना चाहें वो इनसे पूछताछ कर सकते हैं। हो सकता है कि और भी जगह ये मुलविस रहे। सर ड्रग्स के जुड़ी तार हैं अभी लगता है। सर जिस तरह से आपने बताया कुछ और अरेस्ट हो सकते हैं, क्या पुलिस को ऐसा खदशा भी है कि उन लोगों के पास आईडी हो सकती है जिनको वो कहीं पे एक्सप्लोर करवा सकते हैं आने वाले वक्त में? जाहिर सी बात इनके कुछ साथी अभी भी बाहर हैं, तो अभी हम कोशिश तो कर रहे हैं कि उनको बर वक्त पकड़ा जाए, पुलिस की गिरफ्त में लाया जाए, और उनकी चांसेस हैं कि उनके पास कोई ऐसा मटेरियल अभी भी है। तो क्या ये ढांगली केस के रिलेटेड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो मुझे लगता है प्रीमेच्योर होगा अभी बताना, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो जो आगे बढ़ेगी हो सकता है कुछ पहल हो जाए। कुछ भी नहीं है।